सीएम योगी एट द रेट 3.6, यूपी सरकार के वो फैसले जिन पर जमकर हुआ विरोध। नमस्कार, मैं हूं सोना सिंह चौधरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल मार्च 2021 में पूरे करने जा रही है। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि यूपी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुका है। योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी। सीएम बनने के बाद पिछले 3 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। योगी सरकार द्वारा लिए गए कई फैसले ऐसे भी थे जिसका काफी विरोध भी हुआ। आज हम उन्हीं कुछ फैसलों पर बात करने जा रहे हैं। फैसला नंबर 1, नुकसान की रिकवरी के लिए लाए अध्यादेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए 13 मार्च 2020 को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश पारित किया गया था। यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत एक ट्रिब्यूनल बना रही थी। इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जिला जज चेयरमैन होंगे। अध्यादेश के मुताबिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के अलावा एक और सदस्य होगा। यह सदस्य असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का होगा। वहीं इस ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी क्योंकि इस ट्रिब्यूनल के पास अदालती अधिकार होंगे। फैसला नंबर 2, प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें लगवाई। योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की थी। इसी कड़ी में लखनऊ में प्रशासन के विभिन्न चौराहों पर 57 कथित प्रदर्शनकारियों के लगभग 100 पोस्टर लगवाए। प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ 1.5 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तस्वीर और पते के साथ होर्डिंग लगाने पर सरकार को फटकार लगाते हुए 16 मार्च तक हटाने को कहा था, लेकिन यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। फैसला नंबर 3, पुलिस को दिए एनकाउंटर की छूट। योगी सरकार की ओर से राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर हुए। इनमें से कई एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े हुए। सीएम योगी ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ साफ कहा था, लोग अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। फैसला नंबर 4, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर कसी नकेल। 18 जून 2019 को योगी मंत्रिमंडल द्वारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर एक अध्यादेश पारित किया गया था। इस अध्यादेश के मुताबिक अब प्राइवेट विश्वविद्यालयों को एक शपथ पत्र देना होगा कि यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी और ना ही कैंप्स में इस तरह की गतिविधियों को होने देगी। अगर ऐसा हुआ तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। फैसला नंबर 5, एंटी रोमियो स्क्वाड बनवाया। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने अपने संकल्प पत्र पर काम करना शुरू कर दिया था। वहीं 21 मार्च 2017 को एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने के आदेश जारी किए थे। इस दल का उद्देश्य यूपी में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ रोकना था। इस एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर के तहत 4 कॉन्स्टेबल के साथ एक टीम बनाई गई थी। शुरू में चौक चौराहों और लड़कियों के स्कूल कॉलेजों के बाहर सादी वर्दी में यह स्क्वाड तैनात भी दिखाई देते थे, लेकिन दिन हफ्ते और महीने बीतने के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड भी अपनी मार्ग क्षमता खोता गया था। फैसला नंबर 6, भगवा रंग में रगी गई तमाम चीजें। यूपी में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कलर कोड भी बदलता रहा। मायावती शासन में चारों तरफ नीला, अखिलेश सरकार में लाल और हरा दिखता था। राज्य में योगी सरकार आने के साथ ही सब कुछ भगवा हो गया। सीएम की कुर्सी पर पड़े तौलिए से लेकर बेड पर बिछी चादर सब भगवा रंग में दिखाई देती रही। इसके अलावा परिवहन निगम की बसों, प्रदेश के कई जिलों के सरकारी महकमों की बिल्डिंग भी भगवा रंग में रंगी गई।
सरकार बदलने के साथ ही मुख्यमंत्री व मंत्रियों के आवास से लेकर एनेक्सी भवन, स्कूल और हज हाउस की दीवारों को भी भगवा रंग में रंगा दिया गया। विवाद के बाद कईयों की दोबारा पुताई भी कराई गई थी। राजधानी लखनऊ में डिवाइडर पार्क और साइकिल ट्रैक पर भी भगवा रंग चढ़ाया गया था। यही नहीं, बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों का भगवा रंग और हमीरपुर के भगवा शौचालय ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। फैसला नंबर 7, बदल दिए थे शहरों के नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अक्टूबर 2018 को यूपी के मशहूर शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने का ऐलान किया था। इसके बाद सीएम योगी ने दीपोत्सव के दिन घोषणा की थी कि फैजाबाद जिला अब से अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। 13 नवंबर 2018 को हुई कैबिनेट मीटिंग में फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या मंडल और इलाहाबाद मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज मंडल किए जाने के फैसले पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद इस तरह की भी कई खबरें आई थी कि योगी सरकार कई और शहरों के नाम बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें सबसे आगे बस्ती और गाजीपुर जिलों के नाम बदले जाने की चर्चा सबसे ज़्यादा है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इन दोनों शहरों का नाम बदलने से पहले मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। यह स्टेशन यूपी के चंदौली जिले के अंतर्गत आता है। फैसला नंबर 8, सावन में कई रूट पर नॉनवेज की बिक्री की गई थी बैन। योगी सरकार ने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस व मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा एक अन्य फैसले में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सड़क किनारे काटे जाने वाले मुर्गे और बकरे की दुकानों को बंद कराने का भी आदेश दिया था। फैसला नंबर 9, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई थी फूलों की वर्षा। योगी सरकार ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा के आदेश दिए थे, जिसके बाद यूपी के कई जिलों से कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश किए जाने की खबरें, तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे। फैसला नंबर 10, संविदा पर भर्ती। जब यह खबर अखबार में आई तो सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को काफी बड़ा झटका लगा और उनके कठोर प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया था कि योगी सरकार सरकारी नौकरियों में किसी को भी संविदा पर नहीं रखेगी। इस पर विपक्षी पार्टियां सिर्फ भ्रम फैला रही हैं, जबकि सरकार की ऐसी कोई योजना बनी ही नहीं है और आगे भविष्य में बनेगी भी नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार छात्रों, किसानों, मजदूरों, गरीबों की सरकार है। केंद्र और प्रदेश की सरकार इनके विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली बनकर उभर रहा है और अपने दुश्मन देशों को हम उनके घर में घुसकर सबक सिखा रहे हैं। आतंकवादी समर्थित पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे वीर सैनिकों ने धाक जमाई है। चीन को डोकलाम, गलवान, पेंगोंग झील में पीछे धकेला है। इतना ही नहीं, जो हमने 1962 में खोया था, आज हमारे वीर सैनिकों ने उन स्थानों पर भारत का तिरंगा फहरा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज तीर्थों का राजा है, यहाँ पर सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। फैसला नंबर 11, आगरा का मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा। मुगल्स कांट बी अवर रोल मॉडल्स। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ मुगल म्यूजियम अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ था कि उसका नाम भी बदलना तय हो गया। आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को निर्देश दिए कि मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किया जाए। इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आगरा में निर्माणधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं होगा। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। मैं आज आपके सामने योगी सरकार द्वारा लिए गए कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस को सामने लाई हूँ। आप योगी जी के इन फैसलों पर अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।